Travel bucket list still need draw. हेलो डियर ऑल, वेलकम टू अन अकेडमी। सो जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियरिटी है सभी को? चेक इट वंस। सो विल स्टार्ट द सेशन एंड आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है। अनाउंसमेंट ये है कि कल 14th of April इज द लास्ट डे ऑफ दैट ऑफर। आप ऑफर देख सकते हो कि गेट 1 ईयर जो प्लस सब्सक्रिप्शन है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है। और इसी के साथ में, मतलब दैट इज द बिगेस्ट ऑफर अनअकैडमी पे, इतना बढ़िया ऑफर आज तक नहीं आया है। और उसके साथ में अब एक चीज और एड ऑन की हुई है। वो एड ऑन क्या है कि आप में से कोई एक लकी विनर इलेक्ट्रिकल स्कूटर जीत सकता है, ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर, जो कि कोई एक विनर होगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं 14th अप्रैल, मतलब कि कल। कल लास्ट डे है, ठीक है? तो एक चांस है आपके पास में स्कूटर जीतने का भी। और उसी के साथ ही साथ आप लोग को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। इस प्राइस के अंदर आप लोग अनअकैडमी प्लस की सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस एक्सेस कर सकते हैं, ऑल अपकमिंग लाइव क्लासेस जो अप टू 1 ईयर तक जाने वाली है वो सारी आप एक्सेस कर सकते हो। गेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, गेट डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलती है। जो भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, हर एजुकेटर की क्लास आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि 13th of April से, मतलब कि आज से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि उमा सर 4 PM पे क्लास ले रहे हैं। तो यू कैन स्टार्ट विद द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि डेटा साइंस और AI स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में मैथमेटिक्स जो है वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को भी आता है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। गेट पेपर जो डा और डेटा साइंस और AI का, जो मशीन लर्निंग का पेपर जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी पे मिलेगी। और आप देख सकते हो उस टेस्ट सीरीज के अंदर 31 टेस्ट है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की बात करें तो 19 टेस्ट है, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें तो 4 टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट भी 15 टेस्ट क्रिएट किए हुए हैं, और एक PYQ टेस्ट भी है ना। सो इफ यू वॉन्ट मोर क्लियरिटी ओवर दिस, सो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। और ये सब्सक्रिप्शन करने के लेने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं प्लस पे जाना, तो प्राइस सिर्फ 11,999 है। आइकॉनिक के लिए ये 17,999 है। करना क्या है आपको, सिंपली आपको एक कोड अप्लाई करना है। द कोड इज व्हाट, ANKS27। तो ये जैसे ये कोड अप्लाई करोगे, इस कोड से सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप लकी विनर अगर रहे तो ओला कैब, आपको जो ओला का बाइक है, स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो भी मिल जाएगा, ठीक है? सो यू कैन गो विद दिस आल्सो। और इसी के साथ में अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं, तो ये सारा स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी मिलता है। तो यू कैन परचेस दैट कंप्लीट कंटेंट इन द सेम सब्सक्रिप्शन, मतलब कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा हार्ड कॉपी मटेरियल भी वहां पे मिल जाता है, ठीक है? अब पॉइंट आ रहा है बेटा यहाँ पे कि जो आज का सेशन है, सेशन ये है कि गेट कंप्यूटर साइंस, गेट CS का पेपर और गेट डा का पेपर। सो कैन वी गो फॉर बोथ दी पेपर, कैन वी गो फॉर द सिंगल पेपर? और अगर सिंगल पेपर के लिए जाना चाहिए तो गेट डेटा साइंस का पेपर देना है या गेट कंप्यूटर साइंस का पेपर देना है, इन दोनों में से कौन सा पेपर हम लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर सिलेबस वाइज बात करें तो CS का सिलेबस बहुत ज्यादा है, डेटा साइंस का सिलेबस बहुत कम है। तो अब कौन से सिलेबस के साथ में हम लोग प्रिपरेशन को शुरू करें और प्रिपरेशन स्टार्ट करें, दैट इज द बिग कंफ्यूजन। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर गेट कंप्यूटर साइंस इज द बेस्ट और गेट डेटा साइंस इज द बेस्ट। तो आज इसी पॉइंट पे मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 2025 के लिए आप गेट कंप्यूटर साइंस में जाएंगे या गेट डेटा साइंस में जाएंगे, या दोनों को प्रिपेयर करना सही रहेगा, या किसी एक पे फोकस करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यू कैन सी हियर,
गेट सीएसई, गेट कंप्यूटर साइंस एंड गेट डेटा साइंस। कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे चीजें डिपेंड करेगी कि डाका पेपर देना है, सीएसई का पेपर देना है, दोनों पेपर देने हैं, दोनों के लिए प्रिपरेशन करनी है, किसी एक के लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डेफिनेटली लेंदी है, टोटल आपको 10 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, और नियरली अगर हम उनको भी फर्दर डिवाइड करें तो लगभग लगभग 12 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करनी होती है। डेटा साइंस के लिए आपको 6 to 7, अगर इंक्लूड कर ले हम एप्टीट्यूड को भी, तो 6 to 7 सब्जेक्ट्स की आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, और उसमें ये कवर अप हो जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें 12 सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना है, तो सिलेबस तो वास्ट है। तो अगर कम सिलेबस के हिसाब से बात करें तो डेटा साइंस के साथ आप जा सकते हो, लेकिन इसी के साथ में एक चीज इस बार और देखने को मिली है, जिन्होंने गेट 2024 का पेपर दिया था, तो गेट 2024 के पेपर में जो डा के थ्रू जिन लोगों ने रैंक लेके आए हैं, ठीक है, तो आईआईटीज में जो एडमिशन हो रहा है, ठीक है, तो एडमिशन में गेट डा वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हर एक स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि उनका स्कोर कार्ड, जैसे अगर सपोज आपने गेट डेटा साइंस में किया है, तो बहुत सारी आईआईटीज आपको कंप्यूटर साइंस से एमटेक करने के लिए एलिजिबल नहीं मान रही है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं तो गेट कंप्यूटर साइंस, गेट सीएससी की बात करूं, तो गेट सीएससी से आप ज्यादा ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू द गेट डा। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सर अगर मेरे को टॉप रैंक आती है और टॉप रैंक के बाद मेरे को आईआईटी श्योर लेना है और मेरे को आईआईटी में ही जाना है, तो ज्यादा स्कोप किसमें है, तो ज्यादा स्कोप, ज्यादा ब्रांचेस और ज्यादा आईआईटीज आपको सीएससी के पेपर के थ्रू मिलेगी। डा के पेपर के थ्रू आपको मिनिमम चांसेस मिल रहे हैं, मिनिमम चांसेस मतलब की बात करें तो अगर सपोज आईएससी बैंगलोर है तो वो कंप्यूटर साइंस को अगर 3 या 4 ब्रांचेस में एलिजिबल कर रहा है, तो वो डेटा साइंस को सिर्फ 2 ब्रांचेस या 1 ब्रांचेस में एलिजिबल कर रहा है। तो पॉइंट क्या हुआ कि अगर आप ज्यादा स्कोप देखना चाह रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के साथ जाइए। ठीक है, सिलेबस वास्ट है डेफिनेटली, प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन आपको आगे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलेंगी डेटा साइंस में, क्योंकि डेटा साइंस क्या है एक्चुअली, ये जो पेपर है दैट इज फॉर अ स्पेशलाइज्ड, इफ यू वांट टू डू एमटेक इन एआई, इफ यू वांट टू डू एमटेक इन डेटा साइंस, इफ यू वांट टू डू एमटेक इन मशीन लर्निंग, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक ब्रांच ऑप्शन में आती है, इंटरडिसिप्लिनरी कुछ ब्रांचेस भी ऑप्शन में है। तो अगर हम स्कोप वाइज बात करें तो यहां से हमें ज्यादा स्कोप मिलता है, ज्यादा आगे ब्रांचेस में जाने के चांसेस मिलते हैं, तो आप डेटा साइंस की प्लेस पे कंप्यूटर साइंस को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स अदर स्ट्रीम से, जैसे कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, सिविल स्टूडेंट्स हैं, दे वॉन्ट टू गिव द पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस, है ना, आगे अपना एम टेक वो सीएस में करना चाहते हैं या रिसर्च वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर फील्ड में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि डेटा साइंस में आपको कम सिलेबस पढ़ के और डायरेक्ट एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम है, लेकिन अगेन पॉइंट इज व्हाट कि इसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज भी कम है। तो जो स्टूडेंट सीएस बैकग्राउंड के हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको हमेशा मेरे हिसाब से अभी इस ईयर का जो एडमिशन प्रोसेस में अभी तक का देख रहा हूं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमेशा आपकी फर्स्ट चॉइस आप गेट सीएससी के पेपर को रखें। ठीक है, सेकंड चॉइस आप डेटा साइंस के पेपर को रख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अदर डिसिप्लिन के हैं, अदर के थ्रू एमटेक करने के लिए आना चाहते हैं सीएस में, वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे डेटा साइंस को रख सकते हैं, क्योंकि डेटा साइंस में, ठीक है, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर हम लोग अगर बात करें गेट डा के पेपर की, तो डेटा साइंस का पेपर मैकेनिकल या अदर स्ट्रीम्स के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे मिनिमम सिलेबस के साथ में प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। फिर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपना बीटेक स्पेशलाइजेशन एआई में कर रहे हैं या स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस में कर रहे हैं, या आपने बीएससी एमएससी कहीं डेटा साइंस एआई में किया हुआ है, या आपने बीसीए एमसीए किया हुआ है और यू वॉन्ट टू गो टू द आईआईटी एंड यू वॉन्ट टू डू द एमटेक, तो उनके लिए फिर ये सिलेबस बेस्ट है। तो सिलेबस कम है, प्रिपरेशन कम अगर करनी है तो कहीं ना कहीं आगे अपॉर्चुनिटी कम है। तो अगर आप लोगों का सीएस बैकग्राउंड है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमेशा फर्स्ट पेपर कंप्यूटर साइंस को लेके चले, दैट वुड बी मोर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां से आपको मोर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो गेट 2024 का जो एनालिसिस है एडमिशन का, उस एनालिसिस के बेसिस पे अगर 25 की प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड गो विद द फर्स्ट सब्जेक्ट एज अ कंप्यूटर साइंस।
अब पॉइंट ये कि सर मैं पिछले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पिछले 1 साल से 2 साल से सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या सर हम लोग डा इस बार पढ़ सकते हैं, हमने ये वाला सिलेबस बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस आपका 100% कंप्लीट है, आप इस सिलेबस के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, और इसके साथ अगर विदाउट कॉम्प्रोमाइज आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, हालांकि 60% सिलेबस सेम है, जो स्टूडेंट गेट सीएसई की प्रिपरेशन कर रहा है उसको 60% फायदा होगा गेट डा की प्रिपरेशन करने का। सिर्फ दो ही चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, मशीन लर्निंग और एआई, ठीक है। पाइथन कोडिंग थोड़ा पढ़ना होगा, पाइथन वैसे भी आप लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो आप लोग पाइथन पढ़ते ही है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग एआई एमएल ये एक्स्ट्रा है डेटा साइंस में, बाकी सब कुछ जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आप लोग पढ़ते हैं उसी से इसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो मान के चलिए कि आपको 20% एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने इफ यू वांट टू गो विद दिस आल्सो, तो इफ यू आर रेडी टू गिव द 20% एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना है, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द सीएस प्रिपरेशन। मतलब ऐसा ना करें कि सर मैंने यहाँ पे गेट डा के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे इसलिए मैंने गेट सीएस के 2 सब्जेक्ट्स पे कम प्रैक्टिस करी और इस वजह से मेरे को 4 नंबर इधर कम आ गए, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर इधर 4 मार्क्स कम आए और इधर 10 मार्क्स आपने बढ़ा भी लिए तो ना ये पेपर आपको आईआईटी दिलवाएगा ना ये पेपर आपको आईआईटी दिलवाएगा। तो पॉइंट क्या है कि अगर मेरा 2 मार्क्स भी 1 मार्क्स भी कॉम्प्रोमाइज होता है सीएस के पेपर में तो मैं दोनों पेपर के साथ नहीं जाऊंगा, ये आप लोगों को सोच रखना है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि इसमें ठीक है इसमें 10-15 नंबर कम आ गए और वो इधर 10-15 नंबर ज्यादा आ गए, तो पॉइंट क्या हुआ, यहां मान लो आपका टारगेट 75 था, आप यहाँ पे 60 मार्क्स लेके आ गए, और यहाँ पे आपका टारगेट मान लो कि 50 था और आप यहाँ पे 55 मार्क्स लेके आ गए या 60 मार्क्स लेके आ गए या 30 मार्क्स टारगेट था 45 मार्क्स लेके आ गए, तो 65 मार्क्स डा के पेपर से भी आपको आईआईटी नहीं मिलेगा और इधर से भी आईआईटी नहीं मिलेगा, तो दोनों से चले गया। इससे अच्छा था कि एक ही पेपर में बहुत अच्छी मेहनत करते, अच्छी प्रैक्टिस करते, अच्छा प्रिपरेशन करते, वो प्लस 15 मार्क्स आपका इधर होता, या फिर आप डेटा साइंस के साथ भी जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसके अंदर प्रिपरेशन 100% करते, आपकी बेस्ट रैंक आती, ठीक है। इस बार के सिनेरियो के हिसाब से मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के जिनकी 300-350 रैंक है, उनका भी गेट स्कोर 650 से ज्यादा नहीं आ रहा, मतलब ऑल इंडिया रैंक 350 तक है और इनका गेट स्कोर 650 है। अब 650 में आईआईटी मिलना बहुत टफ होता है, और दूसरी चीज यहां पे क्या हो गई कि आईआईटी 650 में तो नहीं मिल रहा है, और उसके साथ में दूसरी दिक्कत क्या हो गई कि बहुत सारी आईआईटीज ने नंबर ऑफ जो एडमिशंस लेने के लिए ब्रांचेस है वो कम कर दिए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अगर इतनी रैंक आप 350 गेट सीएससी के पेपर में लेके आते हो तो आपका स्कोर नियर 750 प्लस जाएगा, और 750 प्लस में चांसेस आपको आईआईटी बॉम्बे के आईआईटी दिल्ली के भी रहते हैं। तो ये चीजों पे थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है, ठीक है। सक्षम पॉइंट बेटा वही है कि अगर आप गेट डा का सिलेबस जुलाई एंड तक कंप्लीट कर देते हो उसके बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट सीएसी के करते हो, अगर आप डेडिकेटेडली डा के लिए जा रहे हो तो ये मान के चलो डियर कि यहाँ डा में आप डा का सिलेबस जुलाई तक कंप्लीट करके सीएसी पे स्विच करने की बजाय आप डा को बहुत अच्छा स्ट्रांग करो, ठीक है, और इसमें ट्राई करो टॉप 100 रैंक में आने की, क्योंकि अगर आप टॉप AIR 100 में आते हो तो आप 100% IIT आपको मिल जाएगा, 350 पे भी आईआईटी की गारंटी नहीं है, ठीक है। 1-2 महीने में और क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन सी लास्ट रैंक या कौन से लास्ट स्कोर पे गेट डेटा साइंस वाले बच्चों को आईआईटी मिला है, तो यहाँ मान के चलिए कि आपको बहुत एफर्ट्स लगाने के साथ में टॉप रैंकर के बीच में आना होगा तो गारंटेड आईआईटी मिलेगा। यहाँ पे आप 350-500 रैंक तक भी आते हैं तो आपको आईआईटी मिल जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ज्यादा है और स्कोर भी अच्छा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सक्षम यस एग्जैक्टली, अगर आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके, और देखिए गेट डेटा साइंस के लिए आपको 50 मार्क्स का टारगेट नहीं रखना है क्योंकि 50 मार्क्स के टारगेट में आईआईटी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे कम से कम टारगेट रखना है 75 मार्क्स प्लस, है ना, तो 75 प्लस मार्क्स का टारगेट अगर आप रखोगे, इवन 80 मार्क्स का टारगेट रखोगे तो गारंटेड मिल जाएगा। तो ये टारगेट अगर आप अचीव कर पा रहे हो और आपको लग रहा है नहीं आई कैन डू दैट एंड आई कैन अचीव दैट मार्क्स, और मेरे को अभी एक्स्ट्रा टाइम है मेरे पास, आई वॉन्ट टू गो विद दिस सिलेबस, तो आप यहाँ पे चले जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जुलाई के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है, अब पॉइंट ये हुआ कि आपने यहाँ से क्वेश्चंस पेपर्स पढ़ना स्टार्ट किए, क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए, देन आपको एक फील आएगा कि यार मैं कहीं इसके रिवीजन के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा,
तो वॉट एवर विल बी योर फर्स्ट पेपर, आइदर द डेटा साइंस और अ कंप्यूटर साइंस, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दैट पेपर. अगर उसके साथ एक भी परसेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक भी परसेंट अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, देन सेकेंड पेपर की प्रिपरेशन करो. अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरे फर्स्ट पेपर के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज करके सेकेंड पेपर को प्रिपेयर कर रहा हूं, सो डोंट डू दैट, क्योंकि वो 1% आपको आईआईटी दिलाने वाला है. ठीक है, तो उस 1% पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए. फर्स्ट पेपर 100% प्रिपेयर करिए, देन स्विच ओवर द सेकेंड पेपर. सर आई एम फ्रॉम AIML ब्रांच, विच वन शुड आई टेक, CS और DA और बोथ? बेटा आपकी AIML ब्रांच है गुरु, एंड यू वॉन्ट कि CS लू या DA लू, तो डियर इट डिपेंड्स ऑन वॉट, इट डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला आप CS का सिलेबस देख लो और AIML का सिलेबस देख लो. AIML का सिलेबस कम है, फिर आप ही देखो कि आप किस सिलेबस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो. AIML अगर आपकी ब्रांच है, डेफिनेटली अगर आप AIML के सब्जेक्ट्स के साथ जाओगे तो आपको मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी. ठीक है, तो यू कैन गो विद द AIML पेपर, नो इश्यू. बट AIML के डेटा साइंस के पेपर के साथ अगर आप बाद में जाके सोचेंगे कि आई वॉन्ट टू डू MTech इन कोर CSE, तो IIT उसके लिए आपको एलिजिबल नहीं करेगा. इफ यू वॉन्ट टू डू योर MTech इन CSE, आप इस बार का मैं एक सेशन लूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि इस बार IIT ने कौन CS के लिए, DA के लिए किन किन को एलिजिबल किया था, कौन कौन सी ब्रांच में, CSE वालों को कौन कौन सी ब्रांच में एलिजिबल किया था. तो आई थिंक वो रिकॉर्ड आप लोगों के लिए और अच्छे से डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा कि यू नीड टू गो विद दिस और दैट. एक ओवरव्यू अपर लेवल पे मैं आपको बताता हूँ, CS से ज्यादा ब्रांचेज में आप अप्लाई कर सकते हो, डेटा साइंस से कम ब्रांचेज में आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, बट अल्टीमेटली प्रिपरेशन कम करनी है, अच्छे मार्क्स जल्दी आ सकते हैं, और इंटरेस्ट अगर उसमें है तो यू कैन गो विद द डेटा साइंस पेपर. और दोनों में जाने के लिए मैंने वही आपसे पॉइंट कहा, आप जिस भी एक पेपर को शुरू कर रहे हैं, अगर वो 100% कंप्लीट हो रहा है देन स्विच ओवर द सेकंड पेपर. अगर पहले पेपर में आपका एक नंबर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी और अच्छी प्रिपरेशन करी तो इधर 10 नंबर और ज्यादा मैं ला सकता हूँ, या 5 मार्क्स में और ज्यादा ला सकता हूँ, तो फिर आप सेकेंड पेपर को टच मत करो, पहले 100% फर्स्ट पेपर को कंप्लीट करो. यस सक्षम, यू कैन डू दैट. डाको फर्स्ट प्रायोरिटी रख के सेकेंड प्रायोरिटी CSE को रख सकते हो, और यस इफ यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन DA, सो दैट इज गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है. तो आप DA में ट्राई करो, जो आप बोल रहे हो 70 मार्क्स कवर कर लिया है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन तो 100 मार्क्स की करनी है, मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि 70 मार्क्स का मैंने पढ़ा है, पढ़ना आपको 100 मार्क्स का है, और आपको कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि यस आई कैन अचीव 75+ मार्क्स, मैं ले आऊंगा इतने, तो अगर मेरा कुछ गलती भी हुई कुछ भी हुई तो मैं इतने मार्क्स ले आऊंगा कटने के बाद, सब कुछ करने के बाद. अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कोर करने की बात कर रहा हूं. तो अगर उतना स्कोर आपको यहाँ पे लग रहा है तो फिर आप इसका प्रिपरेशन शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एंड यू कैन टेक सेकेंड पेपर एज अ CSE, ले सकते हो. अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट डेटा साइंस में हो, गो विद द डेटा साइंस, नो इशू. दोनों पे IIT ने पेपर स्टार्ट ही इसीलिए किया है कि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, दे वॉन्ट डू डू वर्क इन AIML मशीन लर्निंग, और उस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इसके साथ जाइए. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि दो नाव में पैर देखिए क्या है? सिंपल सा बात है कि दो नाव में पैर रखने की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो. भाई थोड़ा इधर का पढ़ लिया, थोड़ा इधर का पढ़ लिया, थोड़े मार्क्स डेटा साइंस में आ गए, थोड़े मार्क्स कंप्यूटर साइंस में आ गए, ना डेटा साइंस से IIT मिला ना कंप्यूटर साइंस से IIT मिला, तो फिर ऐसी प्रिपरेशन क्यों करनी, ऐसी प्रिपरेशन क्यों करनी. प्रिपरेशन हमें वो करनी है जिससे हमें हमारा टारगेट मिले, वो आपको करना है. ठीक है, और भी बच्चों के आपके अगर कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से कुछ, तो यू कैन राइट इन द चैट एंड आई विल गिव यू द आंसर फॉर दैट क्वेश्चंस आल्सो. अभी देखिए NIT भी CCMT की काउंसलिंग 2024 स्टूडेंट्स के लिए आ रही है, इसमें हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी कि जो डेटा साइंस के पेपर से अप्लाई कर रहे हैं. IITs के तो क्लियरिटी मिल गई कि IITs में लेस पेपर्स या लेस चांसेस हैं थ्रू DA, है ना, CSE से ज्यादा चांसेस है, DA से लेस चांसेस है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेपर से नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉम्प्रोमाइज हुई है इस बार. कंप्यूटर साइंस से मैक्सिमम ब्रांचेस में आप अप्लाई कर पा रहे हो, डेटा साइंस से कम ब्रांचेस में आप अप्लाई कर पा रहे हो. ठीक,
सीसीएमटी की काउंसलिंग एनआईटीज के लिए होती है। अब एनआईटीज में देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस में डा को प्रेफरेंस मिल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम लोग और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आदि अगर मैथमेटिक्स वीक है तो डा में आप स्कोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपको मैथ्स से लगता है बहुत ज्यादा डर तो डेटा साइंस का पेपर तो आप अटेम्प्ट ना करें, मतलब ना करें इन द सेंस की प्रिपरेशन जरूर करें, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को मैथ्स नहीं आता, प्रोबेबिलिटी नहीं आती, स्टेटिस्टिक्स नहीं आता, ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकता, या मैथ्स बहुत ज्यादा टफ लगता है मेरे को, तो डेटा साइंस के पेपर में बेटा मैथमेटिक्स जो है ना वो नियर अबाउट 35 मार्क्स का है। और फिर AI ML जो सब्जेक्ट्स है ना ये भी प्योर मैथमेटिक्स बेस्ड सब्जेक्ट ही है, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर 50 मार्क्स तो मैथमेटिक्स टच ही कर रहा है AI ML के थ्रू और मैथ्स के थ्रू। ठीक है, तो 50% मैथमेटिक्स है डेटा साइंस में। कंप्यूटर साइंस के पेपर की मैं बात करूं तो इसमें मैथमेटिक्स आता है, इसमें मेन मैथमेटिक्स होता है डिस्क्रीट मैथ्स 10 मार्क्स का, तो ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट में हम लोग इसको काउंट करते हैं। और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का आता है, और 5 मार्क्स में भी आप मान के चले यहाँ पे कि कहीं ना कहीं फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, वो अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो CS का मैथ्स कवर हो जाता है, लेकिन डा के मैथ्स के लिए बहुत मेहनत करनी, बहुत एफर्ट्स लगाने। सो अगर बेटा मैथ्स प्रॉब्लम है और मैथ्स मतलब बहुत, आप एक बार सिर्फ क्या करिएगा गेट 2024 का डा का पेपर निकाल के देखिएगा, आप वहां पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखिएगा, अगर आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं प्रिपेयर अच्छे से तो ही डा के पेपर पे जाने जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 50% देर इज अ मैथमेटिक्स। इवन AIML के जब डेरिवेशंस करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहां पे भी मतलब कोर मैथ्स लगता है। यस, कैलकुलस, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ आदि, कि कैलकुलस हुआ है ना, या आपका प्रोबेबिलिटी हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, ये सब कुछ आएगा वहां पे। ठीक है, तो ओवरऑल मैथ्स आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है। यू कैन सी, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ सिलेबस दिखाता हूँ उसका, लेट्स सी। ये देखिए प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, दिस इज कंप्लीट मैथमेटिक्स, लीनियर एल्जेब्रा, वेक्टर स्पेस एंड ऑल द थिंग्स, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेबस है मैथमेटिक्स का। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, दैट इज कॉमन इन कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस कॉमन इन कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, इनके जब डेरिवेशन करोगे, लीनियर रिग्रेशन और ये सारी चीजें जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको मैथ्स लगेगा। तो स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो आप इस सिलेबस के साथ में जाएं। सिलेबस काफ़ी छोटा है लेकिन पॉइंट अगेन वही है कि मैथ्स इज मस्ट। और CS का सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, तो CS के सिलेबस लेंदी है क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा है। सेक्शन वन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अब देखिए यहाँ पे मेनली जो मैंने आपको कहा था डिस्क्रीट मैथ्स मेन पोर्शन है, उसके बाद लीनियर एल्जेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, इसमें फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस वाइज दोनों को आपको लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन यहाँ वेटेज 5 मार्क्स है, वहां पे वेटेज 35 मार्क्स है, इवन 40 मार्क्स तक जा सकता है, तो वेटेज वाइज वो ज्यादा है। फिर डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, TOC, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क। तो सिलेबस वाइज अगर हम देखें तो ये काफी वास्ट है। चलिए, सो नाउ इन द अपकमिंग वीक मैं एक सेशन लूंगा CCMT का, जैसे ही फॉर्म निकल जाता है उसके बाद में, और मैं आपको टोटल ऑप्शंस डेटा साइंस के लिए IIT और NITs में कितने हैं और कंप्यूटर साइंस के लिए कितने ऑप्शंस हैं, उस बेसिस पे आप लोग डिसीजन लीजिएगा कि आपको कौन सा। आप अभी प्रिपरेशन तो कॉमन सब्जेक्ट दे रहा है, 60% कॉमन थिंग्स है ना, तो गेट डा का जो पेपर है उसका 60% गेट कंप्यूटर साइंस में भी है। कॉमन सब्जेक्ट्स के साथ में अपना प्रिपरेशन शुरू करिए, ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों के प्लस एंड माइनस, और टारगेट हमेशा कोई एक को रखे एज अ फर्स्ट पेपर, और अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है देन गो टू द सेकेंड पेपर, बट फर्स्ट में कॉम्प्रोमाइज करके सेकेंड पेपर की प्रिपरेशन नहीं करें। ठीक, चलिए, सो ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।